चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है, जबलपुर से रिटायर्ड सीओ के पास अकूत संपत्ति मिली है। रिटायर्ड नागेंद्र यादव के खिलाफ ईओडब्ल्यू की कार्रवाई। जबलपुर मंडला और भोपाल में चार मकान मिले हैं। मंडला और भोपाल में एक साथ कार्रवाई की गई है। करीब 85 लाख की अतिरिक्त आय मिली है। मंडला में जनपद पंचायत में पदस्थ थे नागेंद्र यादव। ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की। रिटायर्ड सीओ के पास अकूत संपत्ति मिले। रिटायर्ड नागेंद्र यादव के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार मकान मिले हैं भोपाल, जबलपुर, मंडला में। मंडला और भोपाल में एक साथ कार्रवाई की गई है। करीब 85 लाख की अतिरिक्त आय मिली है। मंडला में जनपद पंचायत में पदस्थ थे नागेंद्र यादव। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, रिटायर्ड सीओ के पास अकूत संपत्ति मिली, ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई, क्या कुछ जानकारी? तो बता दूं कि जो रिटायर्ड सीईओ है, ये मंडला में वहां कर रहे थे। रिटायर होने के बाद इनकी जो अभी जो ये छापा पड़ा है, इसमें तलहरी, मंडला, भोपाल में चार मकान मिले हैं। जनपद पंचायत से रिटायर्ड सीईओ नागेंद्र यादव, इनका नाम बताया जा रहा है, और लगभग 85 लाख रुपए की अतिरिक्त आय की जो संपत्ति है इनकी, वो पाई गई है। और अभी जांच जारी है, अभी और देखना होगा कि आगे और क्या कुछ यहाँ से निकलता है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कार्रवाई है, और जो बताया गया है कि अभी कुछ और संभावनाएं जताई जा रही है कि हो सकता है अभी कुछ और संपत्ति शायद सामने आ सकती है। जी मनीष, साथ ही ये भी बताइए, अब तक जो कार्रवाई की गई उसमें क्या क्या खुलासा हुआ है, कितने की संपत्ति का खुलासा हुआ? मैंने आपको बताया कि चार मकान तो अभी तक उन्होंने बताए हैं, जो मीडिया को जो जानकारी मिली है कि चार मकान उनके मिले हैं, और कुछ कैश वगैरह भी वहां से बरामद हुआ है। जो उन्होंने टोटल आंकड़ा अभी प्रारंभिक बताया है वो 85 लाख रुपए बताया, और अभी चूंकि जांच चल रही है तो अभी और चीजें भी सामने आ सकती हैं, तो यह आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। जी, शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल जो है अभी तक चार मकानों का खुलासा हुआ, चार मकान मिले हैं, दो जगह एक साथ कार्रवाई हुई है, मंडला और भोपाल में ईओडब्ल्यू ने एक साथ कार्रवाई की है। और फिलहाल जिस प्रकार से जो है 85 लाख की अतिरिक्त आय भी मिली है, तो आगे भी आगे कार्रवाई जो जारी रहेगी उसमें और भी कई खुलासे हो सकते हैं।